देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं ममता बिस्ता, आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों में। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में आज गरीबों का बाजार सनी बाजार खुला। आपको बताते चलें, कोविड 19 के कारण पिछले लगभग 10 माह से बाजार बंद था, जिसके कारण बाजार के व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया। बाजार की समिति व बाजार के व्यापारी इस समस्या के समाधान को लेकर मजर नईम नवाब उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के पास बाजार खुलवाने की समस्या को लेकर गए थे। मजर नईम नवाब उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग द्वारा बाजार के व्यापारियों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए आयोग से समस्या का समाधान किया गया। आज मजर नईम नवाब उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा बाजार को खुला गया और उन्होंने कोविड 19 के पालन के साथ व्यापारियों को संबोधित किया तथा मजर नईम नवाब द्वारा कहा गया कि बाजार के व्यापारियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा व अल्पसंख्यकों का भी समस्या का समाधान किया जाएगा। यह बाजार गरीबों का बाजार है, इस बाजार के सहयोग के लिए हम हर समय तैयार खड़े हैं और बाजार की सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा मजर नईम नवाब द्वारा कहा गया कि बाजार में बिजली व पानी की सुविधा भी दी जाएगी। बाजार के व्यापारियों ने अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से ब्यूरो रिपोर्ट। हम सरकार में थे, इन्होंने कहा कि ये सब्जी मंडी खुलनी चाहिए, प्रशासन किसी भी हालत में तैयार नहीं था। हमने प्रशासन से कहा बाजार खुलेगा कल, चाहे कुछ भी हो जा, और शोएब भाई के नेतृत्व में खुलेगा। इन्होंने ये आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, हमने इनको कहा जाइए खुलवाइए, और उस बाजार को खुलवाने का काम इनका रहा। हमारा तो काम आदेश देने का है जिस सरकार में हम मंत्री हैं। इस शनि बाजार में बहुत भारी पेच था। जब हमने प्रशासन से कहा कि भाई ये बाजार खुलना है तो उन्होंने कहा इसकी अनुमति तो शासन से आगी, क्योंकि ये बाजार एक रजिस्टर्ड बाजार है, इसका रजिस्ट्रेशन है, मान्यता है इसकी, तो ये बड़ा पेच था, रिपोर्ट जाती। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।